लोग कह रहे थे कि जैसे बॉडी तो मसल का काम है सिगरेट पीने से तो लंग्स में जाता है वो तो हम तो सिगरेट पी सकते हैं बॉडी बनाते समय फूल तो कहाँ से आते हैं ये लोग तो मास्टरबेट करने से क्या हाँ हम होता है जो इन्फ्लुस साइंटिफिक तरीके से आगे बोलते हैं कि मास्टरबेशन आपके मसल गोल आपके फैट लॉस या आपके टेस्ट को हार्म नहीं करता फैक्ट है। नहीं करता बट एक् नहीं बोले मास्टर बेट आपके माइंड को खत्म करता है कि अगर आपको 60 मिनट की ट्रेनिंग करने के लिए कुछ भी जरूरत पड़ रही है तो यू आर नोट ए मैन वे प्रोटीन का अल्टरनेटिव क्या एक बड़ी है मेरा पेट निकल आया है

आज आपके माध्यम से मैं चाहूंगा मेरी ऑडियंस को फिटनेस के बारे में जिम के बारे में उनका जो काला सच है जिम में जो खेल करते हैं लोग कई सारों के साथ ये पता चले इसमें तो मास्टर बताने में हाँ, हाँ, और मैं मैं इसको रखूंगा कि बिल्कुल बेसिक जैसे कि कोई बिल्कुल जैसे लड़का है देखने जा रहा है जिम की शुरुआत करना चाहता है वैसे जिम की शुरुआत हर कोई करना चाहता है नया साल भी है ठीक है तो नए साल नए साल में रजिस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं आपके हाँ ज्यादा होते हैं वो कहते हैं ना एक बार अचानक से क्रेज आता है रात को सोते पहला दिन है पहला दिन है वो रेजुलेशन लेते हैं लोग ठीक है मैं तो उस दिन भी बोला था वो मैं हमेशा हित में रहता हूँ दूसरों के मैंने तो उस दिन बोला था कि आप एक साथ छह महीने की फीस मत दे के आना एक एक महीने का एडमिशन लेके आना क्योंकि छह महीने के आप दे दोगे बाद में आप जा ही नहीं पाओगे तो एक एक दिन का जाओ एक एक महीने का ले लो डिसिप्लिन बनाओ पर वो रात को सोते फिर कहते सोमवार है और साथ महीने यहाँ साल है हम चलेंगे जाता कोई भी नहीं है बाद में बहुत सारे जिम में मैं देखता हूँ जैसे कि उन्होंने प्लान ही ऐसे बना रखे हैं कि या तो तीन महीने छह महीने और साल भर वाला सस्ता है ठीक है तो एक वहां पे टेम्पटेशन आ जाती है कि यार ले लेते मैं तो जाऊंगा ही जो साल भर वाला ना महंगा पड़ता है सस्ता नहीं पड़ता कैसे कैसे जैसे मान लो आपने साल का पैकेज ले लिया है ना साल का पैकेज सिर्फ वो ही लोग यूज कर पाते हैं जो डिसिप्लिन में है जैसे हम जैसे हैं अगर हम साल का पैकेज लेंगे ना तो जिम वाले को घाटा होगा क्योंकि हमें तो जिम जाना ही जाना है पर एक नॉर्मल आदमी लेता है जिसको करना है वो साल में से सिर्फ छह महीने जिम जा पाता है तो उसको वही हिसाब पड़ा छह महीने तो ऑफ रह गया ना उसका तो जो जिस दिन वो नहीं गया उसका तो चार्ज लगी रहे। जैसे आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया आपने नेट यूज किया नहीं किया बट कंपनी आपसे ले रही है पैकेज तो साल का होता है पर लग जाते आप चार पांच महीने वही लिमिट है तो चार में नहीं जाते। दो चार दिन हफ्ते ही नहीं है ना कोई जिम वाला फोन करके बोलता है कि यार भैया आप आए नहीं जब रिन्यूअल कराना होता तो फोन आता है पाँच छह दिन पहले मैसेज आने शुरू हो जाते हैं आपके पास टेक्स मैसेज पर आप जैसे जिम विरोधी हैं क्या ऐसा कह सकते हैं आपको नहीं मैं जिम विरोधी नहीं हूं मैं उन लोगों के अगेंस्ट रहता हूं हमेशा जो बच्चों की जेब काटते हैं बच्चों की जेब कैसे काटते देखो आज एक बच्चा जिम में गया है आपने देखा होगा बच्चा जब भी एंटर होता है नो बडी वी लास्क कि यार तेरी एज क्या है तू फीस कहा से लेके आया है तेरा गोल क्या है उसने बोला मेरे को पेट कम करना है पेट कम करना है आइसोलेट लेना पड़ेगा बीसी डब्ल्यू लेना पड़ेगा फैट बर्नर लेना पड़ेगा ये मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा पूछ तो ले भाई वो महीने के कमाता कितने हैं आप लोगों ने बच्चों को पैकेज बना दिया पच्चीस तीस हजार रुपए का वो सत्रह साल का बच्चा है या बीस साल का बच्चा है अर्निंग सोर्स उसका है नहीं कहाँ से देगा पैसे आपको वो अब उसके माइंड में वही डाइवर्ट हो गया यार मेरे पास तो ये पैसे ही नहीं है मैं तो पतला नहीं हो पाऊंगा मैं फिटनेस नहीं कर पाऊंगा अगर यही बच्चे को बिठा के उसको तीन महीने अब एक छोटा एक सा एग्जांपल देता हूँ आपको एक बच्चा पैदा होता है बिल्कुल छोटा होता है उसको जो पैदा होते रोटी देते हैं अपने चावल खाना शुरू करते हैं नहीं माँ का दूध छः महीने बाद गाय का दूध वो भी पानी मिक्स करके दिया जाता है ताकि डाइजेस्ट हो जाए जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी फूड की डिमांड बढ़ती है तो यही फिटनेस में है पहले दिन जो बच्चा आया है उसको जरूरत है सिर्फ डाइट की वर्कआउट की अनुशासन की ना कि इन बॉक्स की अब वो बॉक्स ही दिए जाएंगे उसको क्योंकि वहां हमारा बेनिफिट है हमारा नहीं आई एम सॉरी जो बेचते <laughs> हैं मेरे तो जिम में सप्लीमेंट अलाउ ही नहीं है अच्छा शायद इंडिया का मेरा पहला जिम होगा जहां सप्लीमेंट सेल होता ही नहीं है कोई बॉक्स नहीं रखा मेरे जिम के अंदर और मेरी जिम में पर्सनल ट्रेनिंग भी अलाउ नहीं है ओके okay. कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं है कोई सप्लीमेंट अलाउ नहीं है तीसरा अगर कोई नशा गुटखा दारू पीता उसका एडमिशन नहीं है तो आप पकड़ते कैसे हो मेरे को स्मेल आ जाती है ओके तो हटा देते हो हाँ हाँ तो बार चले जाओ से बाहर चले जाओ अच्छे नहीं तो फिर जय श्री राम तो आपने जैसे डब्बों की बातें करी जैसे वे वे प्रोटीन प्रोटीन की बेसिकली आप बात कर रहे हो डबल ए और एक कैरोटीन या ऐसे हाँ कैरोन याटीन जैसी हाँ चीज होती है तो ये सब बनाई गई है शायद हमारे फायदे के लिए फायदे के लिए बनाई गई है बट एक्चुअली क्या होता है इनका एक स्टेज होता है जैसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये दसवें नंबर पे है ओके पहले नंबर पे क्या है आपका डिसिप्लिन दूसरे नंबर पे है आपका डाइट तीसरे नंबर पर आपका वर्कआउट चौथे नंबर पे है आपका गोल और पांचवे सबसे मेन आपका बजट उसके बिना तो कुछ ही नहीं है छठे नंबर पे है कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है अगर आपका गोल स्टेज पे जाना है आपको गोल फिटनेस में ही सब कुछ करना है अपने आप को वेरीफाई करना है आपकी यही जिंदगी है यही दिन है मेरा यही रात है तब ये चीजें बनाई गई है और आप सीधे दसवें नंबर पे जंप कर ही नहीं सकते हो सप्लीमेंट कुछ लोग बोलते हैं खरीदा जाता है मेरा मानना है कमाया जाता है कमाने का मतलब है यस अब मैंने ये आठ से नौ स्टेप क्रॉस कर लिए हैं अब मुझे एक अच्छे ब्रांड की जरूरत है ब्रांड मतलब आजकल आपने देखा होगा दो हजार में भी आ जाता है पांच हजार में भी आता है सात हजार में भी आता है आठ हजार में भी आता है तो पहला तो कन्फ्यूजन यही हो गया कि लिया कौन सा जाए दो हजार वाला भी पच्चीस ग्राम दे रहा है छह हजार वाला भी पच्चीस ग्राम दे रहा है तो ये चार हजार का डिफरेंस किस बात का है चार हजार का डिफरेंस है भरोसे का क्वालिटी का अब वही मार्केट में आपको एक तरफ सौ रुपए सेब मिल रहे हैं एक तरफ बीस रुपए किलो सेब मिल रहे हैं। कौन से लोगे आप सौ रुपए वाले लोग चाहे एक पीस आ जाए सारे नहीं आए पर बच्चे भागते हैं बीस रुपए की तरफ और एक क्वान्टिटी मिल रही है दस पीस मिल रहे हैं पर वो दस पीस ऐसे मिल रहे हैं कि बच्चे

अब मेरे को बहुत बच्चे बोलते हैं जो मैसेज करते हैं सर आपसे ट्रेनिंग लेनी है मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ भाई तेरी एज कितनी है तू कमाता कितना है अगर नहीं कमाता तो पंद्रह मिनट जहाँ तू ये गंदवाड़ा स्क्रोल करता है ना इंस्टाग्राम पर किसी की गाली गलोच वाला या किसी का अंग प्रदर्शन स्क्रोल कर है इसकी जगह पंद्रह मिनट मेरा अकाउंट देख ले फॉलो ना कर तेरी इच्छा है तेरा मन करे तो कर वरना मत कर क्योंकि तो मेरा अकाउंट एकदम ओपन है आप लोगों ने देखा वो कहीं आजकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर के ब्रॉडकास्ट है वो सब्सक्रिप्शन है पचास रुपये महीने का डेढ़ सौ रुपए महीने का है ना मेरे उसके ब्रॉडकास्ट के अंदर टू फिफ्टी प्लस है और ओपन है मेरा फ्री है वो एक रुपया चार्ज नहीं है अगर मैं दस रुपए भी चार्ज करूं महीने के तो कितने होते हैं फ्री है वो भी देखो ना बैठ के दलिया है क्यों नहीं खाते दलिया घी नहीं खाते बच्चे दूध नहीं खाते दही तो ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो गया तो जब भी आज के बच्चों को डाइजेशन इश्यू इतने तो क्यों है दही वन ऑफ द टॉप प्रोबायोटिक्स होता है जिसके अंदर इतने प्रोबायोटिक्स होते हैं आपका डाइजेशन आपका मेटाबॉलिज्म आपका गट हेल्थ इतना सुधारता है पर नहीं हमें तो गोली खानी है हमें तो एक गोली खानी है क्योंकि गोली इजी लगती है मुंह में डाला पानी पिया चल होगी गोली डाइजेस्ट होगी दही नहीं खाएंगे तो ये फंडा है कुछ जैसे आ, हेल्थ को लेकर या जिमिंग जब लोग स्टार्ट करते हैं तो कुछ कॉमन चीजें जैसे कि सुबह येलो वाला हटा दो और वाइट वाला एक खा लो ठीक है ये ये ठीक प्रैक्टिस नहीं ये अपने गोल के अकॉर्डिंग घोड़ेंगे योग खराब नहीं करता है ये हेल्थी हेल्थी फैट का सोर्स है जो टेस्टा सोन जो मेल हार्मोन होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है बट ये भी गोल के अकॉर्डिंग है क्योंकि उसके अंदर कैलरीज ज्यादा होती है अगर आप मसल गेन कर रहे हो आप बल्किंग अच्छा कर रहे हो तो आप ऐड कर सकते हो पर अगर आप फैट लॉस पे हो तो आप एक से दो ऐड कर सकते हो क्योंकि उसमें कैलरीज बहुत पाई जाती है जितना हम फिटनेस इन्फ्लुंसर से सुनते रहते हैं तो आपके खाने में उतना प्रोटीन मिलेगा नहीं ठीक है इसलिए आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा वो कैसे नहीं मिलेगा मैं बताता हूँ देखो आप लोग प्रमोशन कभी भी देखना कभी भी प्रमोशन देखोगे ना तो आपको क्या बताया जाता है कि अगर आपको इतना प्रोटीन खाना है सौ ग्राम प्रोटीन खाना है तो आपको खाना पड़ेगा तीन सौ ग्राम पनीर ऐसे बोला जाता है फिर लास्ट में वो अपना कूपन कोड दिखाते हैं अब इससे आपको मिलेगा पच्चीस ग्राम प्रोटीन एक सेकेंड रुक भाई तूने बात तो सौ ग्राम प्रोटीन की करी थी हुँ. यहां तूने पच्चीस ग्राम ही दिया है भाई या तो ऐसे बोलो ना कि अगर आपको पच्चीस ग्राम प्रोटीन लेना है तो आपको खाना पड़ेगा सवा सो ग्राम पनीर आप तीन सौ ग्राम क्यों बोल रहे हो ये मार्केटिंग एजेंडा है ओके okay. दिखाया तो आपको यहां जाता है एंड में आपको यहीं वो कूपन गोड पर लेते हैं तो दूसरी बात फिर बोलते हैं खरीदना जल्दी से जाओ मेरी स्टोरी पे बायो पे लिंक लगा हुआ है लिमिटेड पीरियड ऑफर दिवाली चल रहा है <laughs> वो चीजें होती है बेचने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है सब होता है फूड्स में सप्लीमेंट किससे बने हैं फूड से बना फूड से ही बने हैं कोई जमीन से अवतार तो हुआ ही नहीं है तो राम जी ने अवतार फेंका ये लो मैंने बना दिया किटेन यूज करो अब मैं किटेन पे आता हूं आजकल हर बच्चे को किटेन ऑफर किया जाता है भाई तेरे से वजन उठ रहा डराया जाता है अरे तेरी बॉडी बनी नहीं रही तू किटेन नहीं ले रहा पांच ग्राम ले वर्कआउट से पहले तू देख घोड़े जैसा हो जाएगा चल ले लिया आपने कहा मैंने पांच ग्राम किटेन ले लिया क्या पांच ग्राम किटेन बिना खाने के मुझे जान दे देगा नहीं देगा अगर मेरी डाइट ऑन पॉइंट है मैं अच्छा खा रहा हूं अच्छी मेरी डाइट है तो मुझे क्रिएटिन की जरूरत ही नहीं है सिंपल सा फंड है भाई अब आप बच्चों को आगे बोल देते हो कि यार पांच ग्राम तेरे को वर्कआउट से पहले लेना है मैंने किटेन लेना शुरू किया सबसे पहले ब्रांड बिकते कैसे हैं सुबह ब्रांड आता है शाम को बेस्ट हो जाता है अरे से बोला मैं तो छह महीने से खा रहा हूं वो एक एजेंडा है अब मैं उनको गलत नहीं बोल रहा उनका तो काम है दारू बेचने वाले का काम है तो दारू पीने वाला गलत है बेचने वाला गलत नहीं है तो मैं खरीदने वालों को सुधार रहा हूँ और वो बहुत सुधर गया पहले से ओके okay, मैं तो पूरा रूटीन पूछूंगा आज आपसे कि क्या क्या हो एक आइडियल रूटीन होना चाहिए किसी का भी पर उससे पहले जैसा कि आपने कहा क्रीटीन की बारी बात करी है आपने ठीक है ऐसे ही एक चीज़ होती है कि मैं जब जिम जाता था ठीक है तो लोग नस्ले का दो रुपए का कॉफ़ी का पाउच मुंह में डालते पानी पी लेते हैं पानी पी लेते ठीक है ये कितना ठीक है नहीं ये अच्छा है ओके okay. अच्छा पर ये उन लोगों के लिए भी ज्यादा खराब कर जाएगा जो इसको एडिक्शन बना लेते हैं एक तो ना लत बना ली हाँ. एक होता है कि यार मैंने दस घंटे की जॉब करी है मेरे को थोड़ी सी एनर्जी नहीं आ रही हुँ. तो मैं यूज कर लूंगा एक होता है कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ रही भी मैं एकदम एक्टिव हूं तो मेरे को जरूरत नहीं है पर आजकल क्या ये एडिक्शन बन गया है। एक हमारे गुरु जी हैं वो बोला करते थे कि अगर आपको साठ मिनट की ट्रेनिंग करने के लिए कुछ भी जरूरत पड़ रही है तो यू आर नॉट ए मैन ओके okay. बात ही खत्म इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ तीन ग्राम पांच ग्राम दो ग्राम बिफोर योर वर्कआउट आप में वो एनर्जी है ही नहीं वरना जिम जाने के लिए तो अंदर से एक ऐसी आग पहले जैसे बच्चा खेलने जाता था क्रिकेट लेके जाता था कैफीन कभी नहीं नहीं कभी नहीं एक्साइटमेंट ही इतनी तो बात तो वही है तो कोई फुटबॉल खेलने जाता है कोई कॉफी थोड़ी पी के जाता है तो ग्राउंड में रनिंग करने थो कॉफी थोड़ी पी के जाता है बट ये बना दिया है कि आपको जिम जाने से पहले कॉफी लेनी ही लेनी है हाँ लो अच्छा ऑप्शन है बस आदत मत बनाओ अब जैसे मैं यहाँ वर्कआउट किया मैंने सुबह, मैंने सुबह ठीक है कर दिया ऐसे लत नहीं बनाओ किसी चीज जितनी जरूरत है उस हिसाब से रखो आदत बनते ही आपकी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाएगी तो एक मिथ और भी है जैसे वेज डाइट या नॉन वेज डाइट नॉन वेज डाइट करनी पड़ेगी नहीं तो बॉडी नहीं बनेगी ऐसा भी कुछ है ये कौन बोलता है नॉन वेज वाला बोलता है ऐसा बहुत लोगों ने बोला है कि आपको ये करना है कि चिकन में या फिश में ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगा आपको या एग्स में मिल जाएगा ठीक है ठीक है आपने मूंग दाल के बारे में सुना होगा हाँ जी बिल्कुल सुना और टॉप सोर्स है प्रोटीन का पर जैसे मूंग दाल में हम तो एक कटोरी खाते हैं ना मैं बता रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा प्यारा, हूं। प्यारा हूं। पर अब बोलते हैं कि मूंग दाल में कंप्लीट अमीनो नहीं मिलते जो चिकन और राइस में मिलते हैं ऐसे ही अगर आप पचास ग्राम मूंग दाल को राइस के साथ ऐड कर दोगे ना वो कम्पलीट प्रोफाइल बन जाएगी जो चिकन और राइस में होता है जो चिकन और राइस में आपको नो अमीनो एसिड मिलते हैं वही सेम अमीनो एसिड आपको दाल और राइस के साथ मिल जाएंगे अब बात आती है कैलरीज की भाई अगर अपने चिकन खाते हैं तो अपने को लो कैलरीज मिलती है हाई प्रोटीन मिलता है अब दाल और चावल की बात करते हैं तो प्रोटीन तो मिल जाता है थोड़ी सी कैलरीज हाई मिल जाती है तो सौ डेढ़ सौ कैलरी तो वैसे ही अपने एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पर बात तो सौ डेढ़ सौ कैलरी की है उससे बड़ा फर्क आता ही नहीं है तो आप थोड़ा सा दस मिनट वर्कआउट एक्सा कर लो किसी को मारने की जरूरत नहीं है सिंपल सा फंडा बस ये तो वो है कि इजी सोर्स ढूंढा जाता है वे प्रोटीन क्या है इजी सोर्स है अब आप घर पे आए आपने देखा कि यार चलो मान लो आप एग्स खाता है कोई वो कहेगा यार मेरे को उबालने लगेंगे पंद्रह मिनट लग जाएगा फिर मैं और फिर मैं खाऊंगा देना यार एग्स को हो गया तो एक आदत पड़ जाती है बोतल लेके तो कर इजी सोर्स है और हमेशा गीता में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है जितना आप आसान रफ्तार चुनोगे ना उतना आप अपनी नाकामयाबी की तरफ भाग रहे हो और जितना रास्ता तुम्हारा कठिन है जितना रास्ता तुम्हारा प्रयोग से भरा हुआ है उतना तुम कामयाब होने वाले हो क्योंकि आसान रास्ते पर तुमने सीखा क्या क्या सीखा कुछ भी नहीं सीखा लाइफ आपने बर्बाद करी है अब मैंने एक रास्ता वो चुना जहां मुझे सब कुछ देखना है मुझे ऊंचा भी देखना है नीचा भी देखना है कठिन रास्ता भी देखना है चढ़ाव भी देखना है गिरना भी देखना है उठना भी देखना है मैं वहां से सीख रहा हूं ताकि नेक्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा यस मुझे पता है कैसे उठना है वो चीजें अब आज एक बच्चे को कंफ्यूज जो बच्चा वे प्रोटीन पीता है है ना उसको कोई फूड नहीं मिले वो बुखला जाएगा और यार प्रोटीन और से पूरा मेरे पास वे प्रोटीन ही नहीं, नहीं है चाहे घर पे दूध पड़ा हो दही पड़ा हो पनीर पड़ा हो नहीं मेरे पास वे प्रोटीन नहीं है मैं नहीं पीऊंगा ये है हवा बनाया हुआ है तो आप वे प्रोटीन क्योंकि वो बजट फ्रेंडली नहीं है इसलिए मना कर दो बाकी वो है तो ठीक है वो है अच्छा ऑप्शन बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता आज के में भाई आप मैं आज एक टारगेट कर रहा हूँ पंद्रह से लेकर तेईस साल के युवा को है ना उनका अर्निंग सोर्स नहीं है

ये एक ऑप्शन है अल्टरनेटिव नहीं कैसे बनता है सत्तू पाउडर थोड़ा डिस्क्राइब करिए <laughs> पचास ग्राम भुने हुए चने लो मिक्सी में डालो पाउडर बन गया एक गिलास दूध डालो दो खजूर डालो और एक केला डालो और पांच ग्राम देसी गुड़ बहुत लोगों को तो मुंह ही बंद हो गए इस पाउडर से और आप पी के देखना ये लिटरली काम किया है इट इज नॉट ए खाली मतलब बोलना नहीं है मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं करीबन अब तो मेरे पास फोर्टी थाउजेंड प्लस स्क्रीनशॉट है इवन पाकिस्तान से कनाडा से लंदन से जर्मनी से मैंने बोला था घुटनों के दर्द हट जाएंगे अलटरली हटे हैं लोगों के पाकिस्तान से एक क्लाइंट का मैसेज आया था मतलब मेरा फॉलोवर्स है कहता सर मेरा ऑपरेशन हुआ है घुटने का मैं तीन महीने से नहीं उठ पाया बट मैंने ये आपकी रील देखी है मेरे को छः दिन से मेरे घुटने में एक फील हो रहा है कि यस मैं कर लूँगा मैं ये नहीं बोल रहा मैं सही हो गया बट मेरे अंदर से फील हो रहा है कि हाँ मेरा घुटना सही हो रहा है इससे बड़ी बात क्या है अब वो बॉडी बिल्डिंग में इसको जोड़ दिया गया हवा बना दिया गया नितेश ने तो वे प्रोटीन बता दिया अरे बात को सुनो समझो मैं मैं सिर्फ उसका जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है जो आपने समझा मुझे नहीं फर्क पड़ता जो मर्जी समझो तुम्हारा दिमाग किस लेवल का तुम जानते हो मेरा दिमाग किस लेवल का मैं जानता हूं आज आपके सामने गिलास पड़ा है आधा है आप किस नजर से देखोगे आप सोचोगे आधा खाली है मैं उसको आधा भरा हुआ देख रहा हूं तो तुम्हारा दिमाग खाली है भाई तुम खाली सोच रहे हो मेरा दिमाग भरा हुआ है मैं आधा भरा हुआ है कोई दिक्कत नहीं काम आ जाएगा वो चीज़ है ये आपके सत्तू पाउडर बहुत वायरल हुआ ठीक है हम सब जानते हैं इसकी इसकी फाउंडेशन कहाँ बनी कैसे खोज हुई इसकी देखो खोज तो बहुत पुराना फूड है ये मैं पहले भी इसके लड्डू खाया करता था ओके okay. जब सर्दियाँ आती हैं ना इवन मेरे अभी भी साथ में लेके आया हूँ मेरे बैग में पड़े हैं मैं हमेशा सर्दियों में तीन महीने इनके लड्डू खाता ही खाता हूँ क्योंकि इनमें इनसे चार बातें होती हैं पहला तो आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं रहती दूसरा आपने देखा होगा कई बार बच्चे उठते हैं जॉइंट में कट कट की आवाजें आनी शुरू हो जाती है बोन्स की आवाजें आती हैं वो नहीं आती तीसरा क्या स्किन खुश्क नहीं रहती अब जैसे कई बच्चों के आप ऐसे हाथ मारोगे ना लाइन वाइट हो जाती है वो नहीं होते बिल्कुल भी क्योंकि आप अंदर से न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है और चौथा सबसे मेन बात आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हो एक लिथार होना या ऐसे आलस होना या आपने देखा हो कई बच्चे खड़े होते हैं अचानक से एक ब्लैकआउट हो जाता है चक्कर से आ जाता है विद इन सेकेंड दो तीन सेकेंड का आता है बिल्कुल भी नहीं आता वो Okay. तो मैं दो लड्डू एक सुबह दूध के साथ एक रात को दूध के साथ तो, इसके इसके हाँ। तो, तो <laughs> <laughs> हाँ। अपडेट मिलती रहेंगी एक सेवेंटी फाइव डे हार्ट का चैलेंज बड़ा चला ठीक है राम राम भाई सारे ना ठीक है फेमस हुआ पचहत्तर ही दिन क्यों करते हैं इसको नहीं वहां पचहत्तर दिन भी किया है बट ये बनाने के लिए अब जो 75 कर गया ना उसके लिए बहुत हो जाएगा कुछ लोगों को तीन सौ पैंसठ अगर यही मैं सौ पैंसठ डेज कितना पांच सौ किलोमीटर का है पचास किलोमीटर चलना है आपको ठीक है पचास बस अरुण भाई बीस किलोमीटर रह गया यार बस अरुण भाई पचास किलोमीटर ऐसे ऐसे करके मैं तीन सौ पैंसठ दिन घुमा दिया अब जो सेवेंटी फाइव डे कर जाता है ना तो उसको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखते हैं Okay. और फिर उसको ये लगता है यार मैं इतने टाइम से मैंने डिसिप्लिन बनाया हुआ क्यों तोड़ू चलने देना यार तो पचहत्तर दिन इनफ है बॉडी बनाने के नहीं बॉडी बनाने के लिए डिसिप्लिन की बात करें डिसिप्लिन हाँ बॉडी जैसे सिक्स पैक्स बनाने किसी को ठीक है और वो नॉर्मल सा एक आदमी है ठीक है मान लेते पच्चीस से तीस साल की ठीक है।, है कितना लग जाएंगे देखो उसके डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी बॉडी टू बॉडी क्योंकि हर एक का जेनेटिक्स अलग होता है मेटाबोलिज्म अलग होता है और सबसे बड़ी बात सेक्रीफाइस बहुत करने सिक्स पैक इजी नहीं बनते यार बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं आपको अब जैसे आज मैं सुबह साढ़े उठता हूँ तो मुझे उठना है और मैं संडे को भी उठता हूँ हालांकि मेरा संडे को जिम ऑफ रहता है बट मैं संडे को इसलिए उठता हूँ ताकि मैं मंडे को भी उठ पाऊँ क्योंकि अगर मैं संडे को नहीं उठा तो मंडे को मेरे को आलस आएगा तो यही एब्स के साथ में भाई एब्स बनाने तो आपको डाइट पे बहुत कंटिन्यू रहना पड़ता है एक्सक्यूज नहीं चलता कि यार मैं तो बाहर गया हुआ था मेरे घर पे गेस्ट आ गए मैं तो दोस्तों के साथ चला गया मैं नहीं रूटीन चाहिए ऐप्स बन जाते हैं बट अब आप, आपको ना वो रिप टैप्स आ जाए जो स्टेज वाले आते हैं वो पॉसिबल नहीं होते कभी उसके लिए तो बहुत कुछ साथ में लेना पड़ता है पर हर किसी को वो रिपट्स चाहिए नहीं अब आप, आप आपको क्या चाहिए आपको भैया मैं तो एकदम फिट रखूँ मेरे को ऐप्स नहीं चाहिए तो उसके लिए ज़रूरत नहीं उसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है डिसिप्लिन है तो आ जाएंगे डिसिप्लिन नहीं है तो बॉडी तो ऐप्स तो बहुत दूर की बात है पेट भी अंदर नहीं होता ये सच्चाई है आपका डिसिप्लिन पहले से था या आपने भी कुछ मेहनत करी उसके लिए नहीं मैंने मेहनत करी बहुत यार मैं तो मेरी तो लाइन भी नहीं थी ये हमारी तो ज्वेलरी की शॉप हुआ करती थी तो वो कहते ना जहाँ दो बड़े बर्तन होते हैं तो बड़ा बर्तन हमेशा हावी होता है छोटे पे तो वही सीन हुआ भाई दुकान से निकाल दिया गया पर उस टाइम पहले मैं थोड़ा बहुत जिम करता था यार भाई ऐसे ही जाता था मैं नॉर्मली इतना बड़ा गोल नहीं था मेरा अचीव करने का हाँ बट जाता था दुकान से निकाल दिया समझ नहीं आया क्या करूँ एकदम मतलब इतना कंफ्यूज हो गया था लाइफ में कि यार किया क्या जाए जिम में दस रुपए नहीं क्योंकि Uh, मेरा परिवार को भी पता है मेरे परिवार ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया मेरे को ना मेरे फादर साहब ने ना मेरे भैया ने किसी ने नहीं, नहीं किया मेरी बहन ने किया तो जब भी मेरी जिम की ओपनिंग हुई थी ना तो फिता मेरी बहन ने काटा था हालांकि सब पॉलिटिक्स वाले लीडर खड़े थे पास में मैंने उनको नहीं दिया मैं नहीं यार मेरी बहन रिजर्व करती है तो मेरे लिए यही सबसे बढ़कर है तो उस उस दिन की बात है जब मुझे दुकान से निकाला गया तो मतलब रात के एक बज गया था ये पहली बार आपके चैनल पे स्टोरी आएगी वरना किसी को पता नहीं है सच्चाई क्या है मैं नीतेश सोनी फिटनेस में आया कैसे तो एक रात को एक बज गया था मैं बैठा था मेरे कुछ भी नहीं समझ आया कि मैं जिंदगी में करूं तो क्या करूं भाई अब वो कोई था भी मैं घमंडी घमंडी मतलब स्वाभिमान को लेके भाई यार जब एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया मांग के नहीं खाना भूखे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता मांग के नहीं खाया अब दो दिन तो दुकान पर जाए नहीं जाऊं अब मुझे रात को यह टेंशन होगी मैं सुबह कहाँ जाऊंगा एक तरफ से नहा धो के घर से निकल रहा हूं भाई मैं दुकान जा रहा हूं अब मैं कहां जाऊंगा तो वो सुनो रात के एक बजे की बात है मैं चौक पे बैठा था उस टाइम शादीशुदा था मैं तो एक साधु साधु महात्मा जा रहे थे वो राम राम करते हुए जा रहे थे तो मैंने कहा यार ये देख कितना आराम से चिल कर रहे जिंदगी में पैरों में इसके चप्पल नहीं है तन पे कपड़ा एक लिया हुआ है तेन तो, तो पैरों में भी तेरे चप्पल है तन पे भी तेरे कपड़ा और तू फिर पागल हो रहा है तो वो साधु महात्मा पास में बैठ के मैं भी बैठ गया कुछ बात नहीं हुई हमारी जीरो वो राम राम करते रहे मैं भी राम राम करता रहा वो अपना चले गए मैं अपना करा मुझे नहीं पता नेक्स्ट डे मेरे अंदर क्या आया मुझे राम ही जाने मैं ऐसा घुस गया इसके अंदर कि एक साल के अंदर जो मैंने ग्रोथ मारी है मतलब कुछ सोच में जीरो से पहले मैं बना जिम ट्रेनर जिम ट्रेनर मेरी सैलरी थी बारह हज़ार रुपये फिर मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई जब मैंने ऐप्स निकाल लिए थे थोड़े बहुत अपने क्योंकि मेरा बजट हो गया था तो वो जो सलमान खान की वीडियो ऑडियो है एक भाई जो ये बॉडी है ना ये घर में किचन में बनती है खाली जिम से नहीं बनती डिसिप्लिन से बनती है एक सलमान खान का ऑडियो है ये उस ऑडियो पे मैंने वीडियो डाल दी थी तो वो मेरी तीन लाख चले गई थी इंस्टाग्राम पे फर्स्ट वायरल वीडियो मेरी उससे मेरे को क्लाइंट आने शुरू हो गए फिर मैं काम बढ़ता गया फिर जिस जिम में मैं ट्रेनर था मैंने वही जिम के इक्विपमेंट खरीद लिए जिम तो रेंट का था पर मैंने जिम खरीद ली उसका मैं रेंट देना शुरू कर दिया मैंने डेढ़ साल के बाद मैंने अपना काम इतना बढ़ाया मैं बाईस घंटे काम करता था मेरे को सनक आ गई थी मैं करना है डेढ़ साल के बाद मैंने पांच हजार फुट की जगह खरीद ली अब जगह की वही बात गाड़ी ले ली तेल के पैसे तो चाहिए खाली गाड़ी का क्या करेंगे मैंने जाएगा, जाएगा। मैंने कहा और खींचा देखी जाएगी। दो साल ना दिन देखी ना रात ना सर्दी ना गर्मी मैं बैक टू बैक लगा गया आज मेरा उसी पांच हजार स्क्वेयर फुट मेरा खुद का तो कह सकते है वो राम जी तो कुछ नहीं मैं कुछ ही नहीं हूँ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ राम में से तुम आर निकाल दो जो राह है वो निकाल दो क्या रह गया मैं रह गया मैं क्या होता अहम होता है घमंड जो रावण का भी नहीं रहा तो तुम किस खेत की मूली हो वो जब था ना जब राम जी मार के लौटे थे रावण को तो माता ने बोला भाई तू मार आया रावण को कहता नहीं माता मैंने नहीं मार के आया उसको उसके ने मारा वरना जितना वो शक्तिशाली था शिव जी का भगत शिव तांडव का रचितता था वो आदमी और पल भर में संसार हिला देता था वो बस उसको उसके घमंड ने मार दिया मैंने तो औकात ही नहीं थी वही है आज के लोगों में क्या है मैं 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 वो सिंपल सवाल था ना राम जी को अहंकार का ज्ञान था रावण को ज्ञान का अहंकार था फर्क नहीं है बिल्कुल भी बस अहंकार पहले आया है ज्ञान बाद में आया इतना ही डिफरेंस है राम जी को पता था कि अहंकार का ज्ञान होना चाहिए इंसान को रावण को जब मेरे को ज्ञान का अहंकार है बात तो सेम ही है मरा कौन पूजा कौन जाता आज की डेट में वही इस लाइन में चाहे कोई भी हो एक्स वाई जेड फिटनेस नहीं की बात कर रहा मैं चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो घमंड मत करो कभी जी सौदे पे हो बेसिक रहो मैं आज भी फर्श पे रहता हूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं कहा हूं कहाँ नहीं हूं मुझे बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता मैं जैसे उठा था ना वैसे चल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कब वक्त बदल जाए तो भरोसा नहीं है तो अपने आप को हर वक्त में डाल के रखो ये फंडा है हाँ बहुत ओरिजिनल हो मतलब जब बात करो ना तो समझ में आ जाता है कि सामने वाला कुछ बना नहीं रहा कहानियाँ और राम जी का बहुत बड़ा हाथ रहा आपके जीवन में और मेरे ख्याल से इसी को कहते हैं कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा तो मैं जब भी आजकल मैं जाता हूँ ना मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात मैं जितना भी कमाता हूँ ना मैं बहुत डोनेट करता हूँ मैं आंखें बंद करी मैं गिनता नहीं कभी भी और मेरे को जब डोनेशन करता हूँ ना वो फैक्ट बताता हूँ क्या है मैं अनमोल जी के पास जाता था और तो उनके वो एनजीओ है वहां पे एक नाम बोल गया नाम मेरे को एनजीओ है जहां पे मैं जब भी उनके पास जाता हूँ ना मैं अपना नहीं लेके जाता अपना मतलब जैसे मैंने कमाया वो नहीं लेके जाता मैं सुबह उठता हूँ साढ़े तीन उसको बोलता हूँ दे दे जितना देना आज मैं सारा दे के आऊंगा दस दिए मैं दस दे आऊँगा तू पांच लाख देगा मैं पांच लाख दे आऊँगा तेरी जितनी मर्जी दे दे इस उतना देता है वो उस दिन आके ऐसे लगता है कहां से दे रहा है कोई बैंक चोरी कर लिया क्या मैंने वो अनमोल भी कहता पाजी की है यार मेनू भी नहीं पता उन्हें जितना ले आया मैं इतना और बोलता मैं गाड़ी का किराया भी लूंगा भाई किराया भी दे दे मैं नहीं देने वाला कहता <laughs> ले किराया भी ले देता रहता गाड़ी में होता ना तो भी क्लाइंट आते रहते हैं और उस दिन मैं क्लाइंट से ऐसे ऐसे रेट मांगता हूं जो मतलब मैं भी नहीं सोचता या तो मेरे मुंह से निकलता है और वो क्लाइंट एक सेकंड में सर अकाउंट नंबर दो मैं, दो और मैं जाके दे आता हूं। अगले दिन फिर मैं आज मत देना भैया आज नहीं जाया जाएगा जाए तो मेरा दाल रोटी वाला जुगाड़ दे दे बस और नहीं चाहिए आपने बड़े डाइट पे बात करी आ, हमने काफी डाइट पे बातें करी एक एक लास्ट क्वेश्चन है डाइट से लेकर मैगी खाने से बॉडी बनती है मैगी खाने से फ्लोर आ जाते हैं <laughs> <laughs> एक वीडियो देखा आपने मैगी खाओ <laughs> तो यार एक तो सिंपल सा लॉजिक है देखो यार मेरी बात सुनो आज अगर मैं बोलूँ मैगी खाने से बॉडी नहीं बनेगी सबको पता है ना हम्म पता है अगर मैं बोलूँ मैगी खाने से बॉडी बनेगी तो ये, तो ये, 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 ये नई बात है और सोशल मीडिया में क्या चाहिए आजकल यही चाहिए, चाहिए।, चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पता है क्या है गंदवाड़ा है आप देखते होंगे कुछ है जो अंग प्रदर्शन करके फ्लोवर्स गेन करते हैं आप एक चीज कभी नोटिस करना आपने नोटिस भी की होगी कोई अच्छा कार्य हो रहा है जो समाज के प्रति हो रहा है जिसमें किसी को कोई धर्म किया जा रहा है या कोई अच्छी चीज सिखाई जा रही है उसके शेयर देखना लास्ट दो से तीन हजार शेयर मिलेंगे और व्यूज तो होते ही नहीं है अगर वही एक लड़की की वीडियो पीछे से शुरू हो रही है ना जिसमें उसका सब कुछ दिख रहा है उस पर शेयर देखना आप नीचे जाके मिलियंस में शेयर मिलेंगे आपको ये हमारा युवा आज का उनको नहीं पता गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे उनको नहीं पता बाबा दीप सिंह जी कौन थे उनको नहीं पता महाराणा प्रताप जी क्या थे उनको नहीं पता शिवाजी क्या थे उनको ये पता उस लड़की के दस मिलियन फॉलोवर है रात को यह वीडियो आने वाली है ये युवा है सोशल मीडिया कचरा हो गया कुछ इतने बच्चे मेहनत करते हैं लड़कियां वो भी है जो भक्ति करती हैं यार लड़कियां वो भी है जो आज भी संपूर्ण रहती है उनके फॉलोअर्स क्यों नहीं है क्योंकि वो अच्छा सिखा रही है हमें सीखना है ही नहीं है हमें बर्बाद होना है जिंदगी बर्बाद करनी है संपूर्ण खत्म खत्म होने के बाद बोलेंगे मालिक तूने कर दिया हाँ राम जी ने बोला था तू शेयर करिए वीडियो चलिए अब थोड़ा बात करते हैं नितिश जी एक्सरसाइज को लेकर है ना फिटनेस को लेकर सो कुछ कॉमन एक्सरसाइज आप बता सकते हो कि शुरुआती दिनों में ये ज़रूर करना चाहिए और फिर इंटरमीडिएट और फिर एडवाइस हाँ जैसे नॉर्मल पुशअप्स आप डेली कर सकते हो पर डेली कैसे कर सकते हो अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो अगर आप अपने घर पर वर्कआउट कर रहे हो या आप एक बिगिनर हो तो पहली बात तो कोई नया बंदा पुशअप कर ही नहीं पाता तो आप उसको सीखना पड़ता है तो इसके लिए वो डेली कर सकता है ताकि वो सीख जाए सीखने के बाद डेली नहीं करना है पुलअप्स तो होते ही नहीं है ठीक है स्क्वायर लगा सकते हो आप ठीक है नॉर्मल आप रनिंग कर सकते हो जंपिंग जैक्स वगैरह कर सकते हो पर धीरे धीरे परफेक्ट होने के बाद जैसे उस मशीन पे बैठ जाओ जो मशीन परफेक्ट है जैसे आजकल लमसम जिम में मशीन होती हैं तो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हर मशीन पे आपने देखा स्टिकर लगा होता है कि इसको कैसे परफॉर्म करना है तो उससे क्या दो बातें होगी एक तो आप सीख जाओगे एक आपके इंजरी नहीं होगी और सबसे मेन अगर जिम में कोई हैवी सेशन कर रहा है कोई भी वेट लिफ्टिंग कर करा उसको देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट मत हो जाओ अगर आज मान लो मैं 200 किलो उठा रहा हूं कोई नया बच्चा आया वो 200 किलो कैसे उठा लेगा तो वो एक इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में या वीडियो बनाने के चक्कर में वजन ढाल लेगा और इंजरी करवा के घर बैठ जाएगा तो वो मत करो देख रेख में करो जो करना है धीरे धीरे बढ़ो तो आप लंबा चल जाओगे और सारी उम्र रह जाओगे ये फिटनेस का सबसे पहला स्टेप है एक तो ऐसा भी होता है ना कि आज मुझे जोश चढ़ गया मुझे जिम जाना है और मैं गया मैंने खूब डम्बल उम्बल उठा लिए सब अब मेरे शरीर में हो रहा है दर्द ठीक है वो क्योंकि मसल को हिलने की तो आदत नहीं आदत है दही का थक्का जमा था टूट गया वो ठीक है स्टार्टिंग डेज में होगा ही होगा ओके तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लाइट भी करो तो भी ठीक हाँ, है लाइट भी करो बट लाइट करता नहीं वही तो बता रहा अट्रैक्ट हो जाते हैं देख रहे या तो कुछ गाना ऐसे सुन लेते हैं अब जैसे मैं हूं मैं कई बार राम जी का गाना सुन लेता हूँ मैं वजन डाल लेता हूँ मैं आज भी आठ साल हो गए तो भी मेरे को हल्का सा डर लगता है भाई यार क्योंकि मेरा काम क्लाइंट का है ये तो खाली मैं एक घंटा खुद को जी लूंगा पर बाकी बीस घंटे मुझे क्लाइंट के लिए जीने हैं फिर फिर भी मैं कई बार समय समझ लेना भाई काम करना है तो वो अट्रैक्ट मत हो जाओ धीरे धीरे स्टेप करोगे ना तो फिटनेस अच्छा भी लगेगा मजा भी आएगा करने में और आप सेफ भी रहोगे किसी को देख के कुछ नहीं करना सीखना है तो उसका डिसिप्लिन सीखो बस जो आपकी लाइफ में काम आने वाला है ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी देखो ट्रेनर की जरूरत तो आजकल हल्की फुल्की पड़ती है पहले के टाइम में नहीं पड़ती थी क्योंकि पहले के टाइम में ना जैसा आज मेरी बात करूं तो हमारे शरीर में वो जान है क्योंकि हमने जो आजकल बच्चे हैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है आऊँगा उस टॉपिक में मैं तो हमने वो बर्बाद नहीं की तो हमें उतना था हमारे शरीर के अंदर भी टूट फूट के अपने आप रिपेयर हो जाएंगे हम पर आजकल वो नहीं है तो ट्रेनर सबसे पहले जरूरी इसलिए हो गया कि आपके वो ध्यान रखें मैं ये पर्सनल ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा आजकल कुछ ट्रेनर ऐसे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं अगर पाँच उंगलियाँ तो पाँच उंगलियाँ सेम नहीं है कुछ ट्रेनर है जो सपोर्ट भी करते हैं तो उसकी देख में करो ताकि आपकी इंजरी नहीं हो नहीं देख रेख में हो रहा तो आप थोड़ा लाइट वेट के हिसाब से करो अपने भी ताकि आपको लगे ना इंजरी होने वाले चुप छोड़ दो वहीं पर जिद मत करो कुछ एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है मेरा पेट निकल आया है ठीक है बेली फैट और इसके तो इतने वीडियो हैं यूट्यूब पे और हर कोई ना जाने क्या क्या बता रहा है कि घर बैठे पेट कम करो ये जीरा वाला पानी पीकर पेट कम करो इतनी भ्रांति फैल गई कि असली बात अब दब गई है तो असली बात क्या है कि भैया पेट कैसे कम होगा पेट सबसे पहले कम होगा आपकी डाइट से ओके कम खाने से अब जिसको डाइट का नहीं पता अब देखो आज हमें पता है कैली डेफिशिट क्या होता है कैली सरप्लस क्या होता है समझा दीजिए हर किसी को नहीं समझ आता मैं इसको बेसिक ही रखूंगा बिल्कुल मैं साइंटिफिक में नहीं लेके जाऊंगा जित अगर आप मान लो दिन में चार रोटी खा रहे हो तो आप उसकी जगह कर दो है ना आप अगर आप दो कटोरी चावल खा रहे हो तो आप एक कटोरी चावल कर दो आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से कम खाना शुरू कर दो तो आप ऑटोमेटिकली डेफिसिट में चले जाओगे ये सिंपल बेसिक वालों के लिए जिनको मतलब पता नहीं होता कितना खाना है हर कोई वेट स्केल नहीं लेके घूमता साथ में जैसे मैंने बोल दिया सौ ग्राम राइस खाने हैं अब यार घर पर तो वेट स्केल है ही नहीं तो सिंपल सा फंडा है जितना आप डेली खा रहे हो हर खाने में थोड़ा थोड़ा पोर्शन कम करते जाओ और अपना लाइफ में एक्टिविटी बढ़ा दो जिम जाना जरूरी नहीं है फिटनेस के लिए अपने शरीर को हिलाना जरूरी है चाहे आप रनिंग करो चाहे आप ग्राउंड में जाके कुछ मर्जी एक्टिविटी करो जिम उन लोगों के लिए है जिनको प्रॉपर अपनी फिटनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है एब्स चाहिए मसल मास चाहिए बॉडी पे एकदम रिप्ट चाहिए हमें कुछ नया दिखना है नॉर्मल फैट कम करने के लिए आप अगर ग्राउंड में डेली पुशअप अप स्क्वैड्स जंपिंग जैक साइनिस इनको भी इंक्लूड करते हो तो भी आपकी बॉडी रिजल्ट देती है पर ज़्यादा रनिंग पर भी फोकस नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा रनिंग करने से ज़्यादा ओवर करने से आपकी स्किन भी लूज हो जाएगी तो हर एक बॉडी का पार्ट इंक्लूड करके आप वर्कआउट करो जैसे कई लोगों को फेस फे फैट होता है या में फैट होता है उसके लिए भी सेम यही करना है ओवरऑल ओवरऑल जाएगा ना ऐसा कोई फंडा नहीं नहीं है स्पोर्ट वाला नहीं है वाला टारगेट ही आप खाली मुझे बैली बैली कम करना है तो मुझे बैली बैली का बताओ ऐसे नहीं है और बैली का तो सबसे फंडा ही सबसे पहला है आता सबसे पहले जाता सबसे लास्ट में सबसे पहला फंडा है बैली का फेस फैट और बैली का सबसे फंडा यही आएगा सबसे पहले और जाएगा सबसे बाद में मैंने तो कहीं देखा कि क्रंचेस मारने लग जाते हैं लोग ढेर सारे बेली फैट कम हो होता है देखो ये चीज ये ऐप्स है इनके ऊपर फैट की लेयर है है ना तो आप इनको तो ट्रेन कर रहे हो अच्छी बात है करना भी चाहिए पर फैट की लेयर कब कम, कम कैसे होगी कम खाने से अपनी एक्टिविटी बढ़ाने से खाली अंदर का ट्रेन करने से क्या हो जाएगा ऐप तो आपके भी हैं हर किसी के ऐप्स होते हैं बट ऊपर एक फैट की लेयर है अब उस फैट को लेयर को कम करने के लिए कम खाना पड़ेगा ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी अनुशासन में रहना पड़ेगा तो जाएगा वो

मैं पाँच पाँच छः छः घंटे क्रिकेट खेलते थे हम सुबह निकलते थे शाम को घुसते थे ना भूख लगती थी ना कुछ खा मेहनत बहुत करते थे आजकल कर मेहनत क्रिकेट खेल वो बच्चा फ़ोन में खेलने लग जाता है मम्मी बोलते थे आप खेल ले मम्मी बच्चा क्रिकेट फ़ोन में खेलता है तो एक्टिविटी कहाँ हो रही है तो वो खराब करेगी करेगी एक्टिविटी करो और आज का शुक्र बहुत खराब करेगी करेगी इससे अच्छा आप नेचुरल पे आ जाओ जैसे आप देसी गुड़ ले लो वो अच्छा ऑप्शन देसी की बात कर रहा करो मैं वो वाली बात नहीं कर रहा जो चीनी से बनता है एक देसी गुड़ आता है अलग वो ऐड कर सकते हो आप वो अच्छा ऑप्शन है uh, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं आपके जिम में कुछ ऐसी विचित्र सी आप ऐसे कोई विचित्र क्लाइंट की कोई ऐसी फरमाइश रही हो कि दस दिन बॉडी बना दो नहीं बहुत आते हैं बहुत आते हैं ऑनलाइन उन, भी बहुत आते हैं अब मेरे एक्चुअली क्या मेरे ना दो तीन मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है जैसे मेरे काफ्स हो गया मेरे फोर आर्म्स हो गया मेरे शोल्डर्स हो गए सर आपके जैसे शोल्डर बनाने हैं तो मैं आठ साल दे दे नहीं सर तीन महीने में नहीं भैया नहीं बनेगा जो बच्चा पैदा होने में नौ महीना लगता तो नौ महीना ही लगेगा तीन महीने वाला बच्चा या तो लूला लगड़ा ही निकलेगा या दिमाग से पैदल निकलेगा तो देख ले क्या बनना नहीं नहीं सर आप चार्ज बोलो अरे मैं भाई चार्ज का करेगा क्या डॉक्टर को कैसे बोलेगा तीन महीने बच्चा नौ महीने पैदा कर दे तू ले पैसे ले जल्दी से डॉक्टर भी जवाब दे देगा तो ऐसे होता है यार पता क्या है बच्चे ना अट्रैक्ट होते हैं बहुत अट्रैक्ट होते हैं अब मुझे बहुत बार मैसेज आते हैं सर आपकी जैसे आज मेरे को झूठ बोलना है ना मैं बहुत प्यारा तरीका है मेरी फोर आर्म्स है ना अच्छी मैं कोई भी सप्लीमेंट दिखा सकता हूँ भाई ये मैं सप्लीमेंट डेली खाता हूं मेरी वेन्स अच्छी है मेरे आज करीब तैतीस लाख ऑडियंस है है ना तो मैं लिख के देता हूं पांच लाख लोग खरीद लेंगे पांच लाख लोग खरीद लेंगे क्यों अरे नीतिश भैया ने बताया है। क्योंकि उनकी तो वेन्स है नीतीश मेरा अकाउंट तो देखो जाके नीतिश आठ साल से लोहाज उठा रहा है एक दिन में नहीं आया तो यही ब्रांड के साथ होता है आज तो बनेगी सबर के साथ बनेगी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम जिम में करते हैं सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि आप जाते ही ना हैवी वेट मानना शुरू करते हो तो इंजरी बढ़ाता है दूसरा डेडलिफ्ट अगर आप नए हो जिम में तो आपको डेडलिफ्ट स्टार्टिंग में परफॉर्म नहीं करनी है क्योंकि डेडलिफ्ट एक ऐसा मतलब डॉक्टर भी मना करते हैं उसको पर जब आपकी लोअर बैक स्ट्रोंग हो गई आपने फॉर्म सीख ली तो लाइट वेट से शुरू हो जाओ वो ही बात है डेडलिफ्ट अच्छा भी है बुरा भी है पर अच्छा उनके लिए जो फॉर्म सीख गए बुरा उनके लिए जो खाली कंटेंट बनाने जाते हैं वो अपनी बैग और एक बार बैग हिल गई ना तो वो बैग सही होगी ही नहीं तीसरा सबसे मेन बात अगर जिम में कोई भी कुछ भी खा पी रहा है तो उसकी तरफ ध्यान मत दो भी कई बार देखते कोई आता है एथलीट पुराना एथलीट आता है वो बैग खोलता है दो गोलियां खाता है फिर दो स्कूप पीता है फिर एक स्कूप पीता है फिर वो पांच मिनट बैठता है फिर एक स्कूप पीता है तो बच्चों को लगता है पता नहीं क्या ही पी रहा रहे अरे ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है आप अपना बेसिक रखो जाओ अपना वर्कआउट करके घर आ जाओ किसी को देख के कुछ भी और सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है उसके बच्चे उस डब्बे की फोटो खींच लेते हैं ऑर्डर कर लिया अब ये पता नहीं खाना कब है मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं भैया ये मैंने खरीदा है खाना कब है मुझे जब तुझे पता ही नहीं है खाना कब है तूने खरीदा क्यों है कहते भैया वो ना भैया खा रहे थे उसका अठारह इंच का भाई सिप था तो मैं भैया दस साल से कर रहा है भाई तेरे को पहला दिन है बेटा यही बातें हो रही है मतलब हमें रिजल्ट बड़ी जल्दी चाहिए ठीक है तो और हम समझ नहीं पाते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता कभी भी नहीं होती आज मुझे मैं बताता हूँ क्या हुआ था जब लास्ट टाइम की बात है सत्तू चला था तो मेरे नौ दिन के अंदर एक मिलियन फ्लोवर आए थे तो सब अगेंस्ट हो गए ये है वो तो एक बंदर बहुत प्यारी वीडियो बनाई मेरी सारी हिस्ट्री उठा ली उसने कहता भाई आठ साल से मेहनत कर रहा है ये आदमी कुछ तो सोच के बोलो तुम लोग तो वो बात है जो दिखता है उसके पीछे का कोई नहीं देखता सामने का देखेंगे बस हमने डाइट की बात करी जिम की बात करी कुछ लोग हैं जिम नहीं जा पाते कई कुछ भी समस्या हो सकती है घर में बॉडी बन सकती है बॉडी नहीं बन सकती फिटनेस मेंटेन हो सकती है क्या फर्क है बॉडी बनने बोड़ी बोड़ी में फिट बॉडी में क्या होता है बॉडी में आपको चाहिए प्रॉपर जैसे मेरी वेन्स दिख रही है मेरे मसल दिख रहे हैं रिप्त हो रहा हूँ मैं मेरे शोल्डर दिखते हैं पर फिटनेस में ये चीज़ें नहीं होती फिटनेस में क्या होती है तीन बातें होती हैं आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करते हो आपकी बॉडी पर फैट एक्स्ट्रा नहीं है जितना आपको रिक्वायर होता है बॉडी को उतना ही है प्लस आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है और एक आपने देखा वो जो चलते हैं सांस फूल जाता है कोलेस्ट्रोल नहीं है बीमारियां है, मतलब सिंपल सी बात है बीमारियां है नहीं है तो में गया अब मैं फोड़ी तो होने वाली है यार पे आप कितना कर लो जैसे मैं देखता हूँ अखाड़े में जो लोग रहते हैं उनके पेट भी निकला रहता है थोड़े हेल्दी भी लगते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है खाना कितना खाते हैं चूरमा खाते हैं यार वो लोग मतलब उनको देखा जाए तो ऐसे कहेंगे इनकी बॉडी अच्छी नहीं पर स्ट्रेंथ बहुत चार को पटक देते हैं क्योंकि तो दो बातें होती है उनकी पहली बात उनकी खुराक दूसरी बात उनका लंगोटोट लंगोट मतलब? बांधते हैं ना ये तो ये ब्रह्मचार्य का पालन बहुत करते हैं जैसे सेक्सुअल एक्टिविटीज में नहीं या सेक्सुअल एक्टिविटी में ये मास्टरबेड जो आजकल बच्चे दिन में दो दो बार करके जायश सो जाते हैं हाँ। वो वो नहीं है वो लोग तो मास्टरबेड करने से क्या हार होता है देखो अब मैं बात करता हूँ मास्टरबेड दो तरीके से है पहले मैं बात करता हूँ साइंटिफिक से जो इन्फ्लुएंसर साइंटिफिक तरीके से आगे बोलते हैं मास्टर बेशन आपके मसल गोल आपके फैट लॉस या आपके टेस्ट को हार्म नहीं करता फैक्ट है नहीं करता बट एक्चुअल नहीं बोले मास्टर बेट आपके माइंड को खत्म करता है अब इस एक बेसिक रूल बताता हूं आपने कॉफी पी रिग्रेट हुआ आपको नहीं खाना खाया रिग्रेट हुआ नहीं पानी पिया तो कोई रिग्रेट नहीं तो इसके बाद रिग्रेट क्या होता है सोचने वाली बात है क्यों होता है पानी पिया मैंने गलत काम नहीं किया मैंने खाना खाया गलत काम नहीं किया मैंने कॉफी पी गलत काम नहीं किया ये गलत काम इसलिए किया क्योंकि करने के बाद मेरे हो गया कि इज़ थिंग जब आपको पता है गलत थिंग है तो किसी से क्यों पूछ रहे हो आप क्यों किसी को मैसेज कर रहे हो कि भैया मास्टर गलत है या नहीं है जब आपने खुद ही फील कर लिया इतने पागल बच्चे हैं मेरे को पता है कि उस रस्ते में कांटे पड़े और मैं पूछ रहा हूं अरुण जी कांटे हैं क्या वहां तो दिख रहे हैं साफ अब वो साइंटिफिक तरीके से बताया जाता है अब लोग बोलेंगे सेक्स लाइफ के बारे में कि दो अलग अलग चीजें होती है वो एक लाइफ का पार्ट अलग है ये एक पंद्रह साल के बच्चे दिन में चार बार करके वो फिर बोलते हैं मेरे को कमजोरी होगी तेरे को नहीं होगी तो किसको होगी दीवार को होगी कर तू रहा मजे तू ले रहे तो सजा भी तू ही भुगतेगा

अब करके तेरे <laughs> को कैसा फील हो रहा है तो ये जो हमारे जो परमानंद जी है वो गलत है क्या कितनी सही रास्ता दिखाते हैं वो बच्चों को उनको कोई फॉलो नहीं करता कितना प्यारा रास्ता दिखाया कि जब आपको अपना देखो एक छोटी सी बात बताता हूं इंसान का सबसे बड़ा मित्र कौन है उसका दिमाग, दिमाग। सबसे बड़ा शत्रु कौन है उसका दिमाग मुझे दुनिया हिलानी है तो पहले हिलाना तो बंद कर दुनिया कब हिलाएगा जब तेरे को तेरा खुद का दिमाग ही कंट्रोल में नहीं है और तू बात करे ब्रह्मांड हिलाने की पैर तो तेरे कहां पर है मेरे भाई क्यों ओ, आप YouTube पे सर्च करके देखना आप लिख देना मास्टर बेशन आपको लाखों वीडियो मिलेंगी कोई बोलेगा आप आधे घंटे में रिकवर कर जाते हो कोई बोलेगा बॉडी सात दिन में सोन बनाती है कोई बोलेगा कि आप 25 किलो खाना खाते हो तो एक बूंद बनेगी कोई बोलेगा क्या है कोई बोलेगा क्या है मूर्ख प्राणी जब तूने कर लिया करने के बाद तुझे एहसास हो गया तो ये गलत तो गलत है सिंपल बात खत्म केस क्लोज तू पंद्रह दिन बीस दिन करके तो मैं देख अब बोलते है, कोई बच्चे बोलते है, मुझे नाइट फॉल हो जाता है कोई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं नहीं करता तो अपने आप को थकाना तोड़ अपने आप को इतना कितना तो नाइटफॉल पास में नहीं आएगा अच्छा खाना खा अच्छा देख अब एक सिंपल सर रोजिक बताता हूं आपको अब यहां सांप आ गया है क्या करोगे आप या तो मैं भाग जाऊंगा नहीं तो उसको भगाने की उसकर... यही साहब शिवलिंग पे तो क्या करोगे तो मैं पूछूंगा उसको। क्यों वो तो सांप ही है उसके प्लेस में तो धारणा कैसे बदल गई आपकी यही तो जैसे कि हवा क्या पता वो शिवलिंग से ही चल के आये हो धारणा कैसे बदल गई जी सही बात तो यही मैं कहता हूं हमेशा वो देखो जो आपके जीवन को सुधारे आप क्या हो ये भी मैटर करता है और आप बैठे खाओ ये भी मैटर करता है खाली वैल्यू बनाने से मैटर नहीं करता आपकी वैल्यू कहा जैसे आज मैं आया सिंपल से आपने फ्रूट रख दिया ना। ना तो स्थान दोनों मैटर करते हैं नीतीश है, <laughs> मेरे बच्चों को बहुत गलत कर है। यार जब बच्चों की बात आती है ना मेरा खून खुल जाता है <laughs> मेरे से कंट्रोल नहीं होता तो जो लोग ऐसे कई लोग ना एडिक्ट बन चुके हैं

कहीं बैठ जाओ मतलब अपने आप दिमाग से हट जाएंगे और दूसरा बच्चे से करने सर हमारे तो मन रात को एक बजे करते हैं अभी एक मिनट आने शुरू हो जाएंगे तो एक बजे भी बता रहा हूँ एक बजे अपना फोन खोलो हर माल चल से चला लो उसके डर से तुम छोड़ दोगे सिंपल सा फंड है तीसरा अपने खाने में ये दारू सुट्टा फास्ट फूड ये तीखे फूड इन चीजों को हटाओ चौथा अगर ऐसी कोई संगति है जो आपको रीले शेयर कर रही है उनको पहले ब्लॉक मारो क्योंकि बच्चों का क्या होता है वो रील भेजी बच्चा वॉशरूम में घुस जाता है क्या जिंदगी है तुम लोगों की बाईस साल के बाद बोलोगे मेरा बच्चा नहीं हो रहा तुम होगा भी नहीं भाई क्योंकि तूने जब जब बच्चे को चाहिए था ना वो तूने बहा दिया अब तू नाली में ढूंढ बच्चा कहां घूम रहा तेरा अब तेरा बच्चा ना होगा वीर ही मनुष्य का वज्र है जब आपसे चार बूंदे ही नहीं पचाई जा रही तो आप जीवन कैसे पचाओगे चार बूंदे है गिनती की यार अरे क्या पांच मिनट का मजा है सारी उम्र की सजा है अब आई एम नॉट नोट सो मास्टर बट हर एक चीज का टाइम होता है अब नींद नहीं आ रही सुन तो लो मास्टर बैठ करके कर सो जाऊंगा मैं इनको नींद नहीं आ रही अरे तो मूर्ख प्राणी थकाना तोड़ो अपने आप को हमें तो पलंग दे भैया जब नींद आ जाए हमें तो बैठे बैठे नींद आ जाती है क्योंकि शरीर को तोड़ो हर जो ऐसे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना कि मास्टर बिशन विल नॉट हार्म योर टेस्ट सोन मास्टर विल नॉट हार्म योर बॉडी उनको हटा दो जिंदगी से क्योंकि मास्टर बिशन का सबसे पहला फंड है आपका माइंड अब जब आपने माइंड का ही आपका कंट्रोल नहीं है तो बॉडी तो बहुत दूर की बात है करियर भी नहीं बना पाओगे बॉडी तो रहेगी बाद की बात सबसे पहले आपका करियर है करियर ही नहीं बना पाओ जिंदगी में वहीं रह जाओगे जहां से आप उठे बैठे पड़े थे फिर बाद में इंजेक्टेबल लेते रहना फिर बोलेगा कोई इंजेक्टेबल चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए बॉडी पैदा करते बहुत दूर की बात है अभी भी सुधर जाओ जिंदगी में कुछ नियम ऐसे अपनाओ जो नियम आपको आगे बढ़ाए पीछे नहीं टांगे नहीं खींचे आपकी सीधी सी बात और सिंपल बात चाहे मेरी बात बुरी लगेगी पर सत्य हमेशा बचाना मुश्किल ही होता है कॉमन सी बात है वो कहते हैं ना सरे हम झूठ बिक गए बाजार में और मैं एक अकेला सच लेके शाम तक बैठा रहा सिंपल समुण है नीतीश जी आपने बड़ी अच्छी बात करी और एक मेरे मन में बड़ा पर्सनल सवाल है जैसे कि न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं कि लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला हो गए राजू श्रीवास्तव हो गए ऐसे कई सेलिब्रिटीज भी हैं कि भरी उम्र में जवानी में ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है देखो मैं उनकी बात तो नहीं करूँगा क्योंकि वो तो मतलब एक बहुत अलग लेवल पर खाते हुए मैं बात करूँ बेसिक बच्चों की आप मैं आज आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ जब मैंने शुरू किया था मैंने कभी नहीं सुना था हार्ट अटैक अगर शायद सुनता तो मैं जिम में नहीं घूसता ये रिसेंटली आप सुनोगे तीन से चार सालों के अंदर अंदर क्योंकि क्या होता है जो आजकल के प्रोटीन सप्लीमेंट बनाए जाते हैं ना उनका अमीनो बढ़ाने के लिए अमीनो मतलब जब अपनी एक लैब रिपोर्ट करवाई जाती है ना तो लैब रिपोर्ट में कितना कंटेंट है उस चीज को बढ़ाने के लिए उनके अंदर केमिकल डाले जाते हैं तो उन केमिकल की वजह से ज्यादा मैक्सिमम आते हैं और सबसे बड़ी बात दूसरी बात जिम को बदनाम इसलिए किया जाता है आप हिंदुस्तान में कितने लोग मरते होंगे बहुत मरते होंगे अगर वही बच्चे जिम में मर जाए तो पूरे अखबार में छप जाता है छप जाता है ना तो दिक्कत यही है जिम में मर है तो हार्ट अटैक कोई नहीं देखेगा कि यार हो सकता है कुछ सप्लीमेंट नकली खाया हो या मालिक का बुलावा आया हो यह भी हो सकता है भी हार्ट अटैक तो ऐसे तो है नहीं खाली जिम वालों को ही आते हैं नॉर्मल आदमी भी हार्ट अटैक आते हैं बट हाँ फिर भी बोलूँगा फेक सप्लीमेंट सस्ता सप्लीमेंट कचरा सप्लीमेंट मत खाओ क्योंकि आप हर कोई रिपोर्ट लैब नहीं करवा सकते हो और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा सप्लीमेंट असली है नकली नहीं है तो अच्छा फूड खा लो तो जिंदगी बच जाएगी मस्त रहोगे अंदर से स्वस्थ रहोगे तो हार्ट अटैक का मेन कारण यही है कि आप बहुत कचरा हाँ, अपने सप्लीमेंट्ल डाल रहे हो बॉडी हाँ। में खाने से पहले यार तो कई जिम क्या इसे भी प्रमोट कर देते हैं यार देखो पता है क्या होता है एक बात पता है प्रमोशन कैसे होते हैं प्रमोशन का तरीका बताता हूँ आज मेरे पास ऑडियंस है है ना मेरे पास सुबह ब्रांड आएगा आएगा तो कॉमन सी बात है ऐसे तो मैं बोल ही सकता ना कि मेरे पास सुबह है मेरे पास सुबह आया भैया मैं तो अभी बता रहा हूं आप लोगों को मैं तो ऐसे ही बोलूंगा भाई मैं तो तीन महीने से खा रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है चलो हमने माना आपका ब्रांड बेस्ट है तो तीन महीने बाद वो बदल कैसे गया बदल गया मतलब तो तीन महीने बाद दूसरा ब्रांड आ जाता ना तो मतलब तेरा बेस्ट से बेस्टेस्ट हो गया उसके तीन में फिर बदल जाएगा पर जो फूड मैं बताता हूं वो तमाम उम्र वही रहेगा दलिया बदल सकता है दूध बदल सकता है दही बदल सकता है चावल बदल है, नहीं बदलेंगे सत्य नहीं बदलता झूठ हर बार बदलेगा सत्य के साथ रहोगे तो पार पड़ जाएगी को आपने देखा कितने भी इन्फ्लुएंसर को देखा वो आगे बदलते हैं वो उनका काम है मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा बेचो तुम्हारा काम है पर खरीदने वाले को सौ बार पहले सोचना चाहिए कि यार ये तो छह महीने पहले तो ब्रांड दूसरा था आज ये बेस्ट कैसे हो गया क्योंकि बेस्ट के पैसे ज्यादा मिल गए सिंपल लॉजिक तो जिनको जैसे सप्लीमेंट लेना वगैरह है ठीक है बस इसको खत्म करते हैं सप्लीमेंट के लास्ट क्वेश्चन है मेरा तो किससे रिकमेंडेशन लें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्ट साइट पे जाओ आप ये आप बीच में वेंडर में मत घुसो कोई फायदा नहीं है दूसरे पहले अपना बजट देखो बजट अच्छा है मैं फिर बोल देता हूं तीन चार हजार में कभी भी बुक्स नहीं आते हैं बिल्कुल भी नहीं आते हैं अगर ब्रांड अच्छा ले सकते हो बजट अच्छा है तो गो फॉर इट नहीं अच्छा है तो फूड पे डिपेंड हो जाओ बच जाओगे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो युवा हैं उनको कुछ बातें समझने की जरूरत है जैसे लड़ाई धड़ाई होती है तो वो क्या बात है वो देखो आजकल का युवा क्या है हमारा मैं पहले की हमारी बात करता हूँ जब हमारे पास कोई लड़ाई होती थी कोई दंगा होता था किसी को मारा जाता तो हम घुस जाते थे हमें यह फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे अंदर वो जिगरा है या नहीं है हम छोटे हैं हम घुस जाते थे हम छुड़वाते थे आजकल का युवा क्या करता है ये देखिए लड़ाई हो रही है कोई बचाओ तो तू वहां खड़ा क्या कर रहा है तेरे भी तो दो हाथ दिए हैं भगवान ने तेरे भी तो दो पैर दिए हैं तू एक बार जोर से आवाज मगर चल तू मान लिया तेरे अंदर वो जिगरा नहीं है ईंट उठा और मार दे सिर में अगले के जो गलत दिख रहा है जो मां बहन बेटी को मार रहा है जो जानवर को मार रहा है जो अपराध कर अब ना उसका। के जा। तो कोई नहीं देखेगा पर कोई नहीं करता दस लोग खड़े वीडियो बनाने को तैयार है पर यह नहीं सोचते दस लोगों के हमारे हाथ बीस हो गए और सामने वाले के दो ही हैं पर हमें नहीं कर हमें व्यूज चाहिए आपने बात बड़ी बढ़िया बोली अभी साक्षी मदर मर्डर केस हुआ था

क्या है मेरे को कुछ नहीं दिया मेरे को ऊपर प्रति जल्दी बुला लिया क्या है क्या क्या नहीं है मैं तेरा ये वो फ्राणा निकला तो मालिक ने बोला भाई तेरे को सब कुछ दिया मैंने तू बांट ही नहीं सका कहता क्या दिया ना मेरे पास पैसा था ना, पैसा था ना मेरे पास गाड़ी थी ना मेरे पास सोना था ना मेरे पास चांदी थी पागल बना रहे हो आप मेरे को मैं कहता तो बोल लिया तू अब सुन मेरी तेरे को मुंह दिया मैंने तारीफ करने के लिए तेरे को मैंने आंखें दी अच्छा देखने के लिए तेरे को हाथ दिए किसी का हाथ बढ़ाने के लिए तू करके नहीं आया दिया सब कुछ था मैंने तूने कदर नहीं की जब तेरे को बुला लिया खाली पैसा दौलत नहीं होती है तुम किसी के लिए दो शब्द अच्छे बोल दो किसी को अच्छी नजर से देख लो कोई गिर रहा है उसको हाथ दे के बढ़ा दो यही होता है असली चीज पर हमें वो नहीं करने सिंपल सा सामना यही है अब आ, जो आज जो आजकल बच्चे जो युवा भटका हुआ है जो मास्टर को लेके एक छोटी सी ना एक जिंदगी की सीख दे जाता हूं तुम लोगों को निहाल हो जाओगे कवन सो काज कठिन जगमाही जो तुम हो तो तात न हो पाए ये एक इतनी प्यारी दो दो लाइनें जिंदगी सुधार देगी तुम्हारी कभी भी ये हनुमान जी का है तो उसको बहुत अच्छे से दखना क्योंकि अगर कुछ किंतु परंतु किया ना घोटा मारेगा सिर्फ फोड़ देगा तुम्हारा वो जिंदगी में मास्टर बेट कर भी नहीं पाओगे फिर कभी भी मन भटके अगर लगे हमारे साथ कोई नहीं खड़ा आंखें बंद करके इक्कीस बार इसका नाम ले लेना इसका सिंपल सा मतलब है कि हे बजरंग बली तेरे चरणों में मैंने डाल दिया है तू संभाल ले अब वो संभाल लेगा पर अगर तुम ये जानू शोना बेबी के चक्रों में पड़ोगे ना तो खत्म हो जाओगे वो कुछ नहीं संभालने वाला कोई भी मालिक ही संभालेगा और माँ बाप भी संभालेंगे दुनिया का बादशाह बनना है अपने माँ बाप के गुलाम बन जाओ जिंदगी निहाल हो जाएगी तुम्हारी हमने ज्यादातर जो बातें करी नीतीश जी वो लड़कों के लिए करी पर जो फीमेल्स हैं जैसे मेजर जो कॉमन प्रॉब्लम है एक तो मैरिज के बाद बहुत सी फीमेल फैट फैट गेन कर लेती हैं ठीक है ठीके। ठीके? और जो हमारी मम्मी की एज में 40 से 50 की एज में आते आते भी फैट ज़्यादा गेन हो जाता है ये कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के बाद भी फैट गेन हो जाता है तो ऐसे तो लोगों को क्या करना चाहिए देखो पहली बात तो पता है क्या है उन फीमेल्स के पास ना इतना टाइम नहीं होता क्योंकि यार एक, एक हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं उसमें बहुत ड्यूटीज़ होती है अपना घर संभालना बच्चों को देखना स्कूल भेजना खाना बनाना सब करना वो अपने आप को भूल जाती है मैंने भी रिसेंटली भी पॉडकास्ट में ये चीज़ बोली थी कि आपको जिम जाना जरूरी नहीं है पंद्रह बीस मिनट अपने आप पे टाइम दो अपने आप को फील करो क्योंकि वो अपने आप को नहीं फील कर पाते, कानों में एयरपोर्ट लगाओ भजन सुनना है भजन सुनो पंजाबी गाना सुनना है पंजाबी गाना सुनो जो मर्जी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो पढ़े मत रहो तीस मिनट हर महिला के पास मिल जाएंगे दूसरा अपनी डाइट से सॉफ्ट ड्रिंक्स हटाओ ईजी फूड सोर्स है ना जैसे बर्गर खा लिया जोमेटो जोटो खवा लिया ये चलता है बट हर दिन नहीं चलता है ट्राई करो जितना आपके किचन में पड़ा है उनको खाने में ऐड करो और जितना प्रोटीन सोर्स ऐड कर पाओ जैसे दाल हो गई राजमा हो गया लोबिया दाल होगी पनीर हो गया दूध इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करो क्योंकि इन महिलाओं की डाइट में प्रोटीन सोर्स नहीं है ये मैक्सिमम काप सी खाती है जैसे रोटी आलू की सब्ज़ी खा ली इसमें काप सी हैं राइस और पुलाव बना लिए काप आलू वाले उसमें कहापी हैं प्रोटीन सोर्स है ही नहीं तो कभी पनीर खा लिया दाल हो गया राजमा ऐसे ऐड करके चलो लाइफस्टाइल थोड़ी बदलनी चे, पड़ेगी तो पड़े। पड़े। है तो करना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा गुरुओं का कितना महत्व रहा है आपकी लाइफ में गुरु बिन ज्ञान नहीं ये सच्चाई है और आजकल के गुरु जय श्री राम क्या करते हैं तेरे को टेंशन हो रही है बच्चे चल एक सिगरेट का पैकेट लेके आ दोनों मिलके पियेंगे अरे आज सैटरडे है दारू पीने चलेंगे पार्टी देखाना तो मेरे को ये गुरु नहीं है इनको गुरु नहीं बोलते डंडा उठाओ सिर फोड़ दो ऐसों का ये गुरु वो है जो तुम्हारी जेब से खुद के शौक पूरे कर रहे हैं तुम्हें क्या लगता है गुरु है वो मैंने एक गुरु को देखा एक बच्चा ना टेंशन में था तो गुरु खुद ही ऐसे रोल कर रहे हैं क्या कर रहे हो इसको स्ट्रेस आउट कर रहा हूं अच्छा ऐसे स्ट्रेस आउट होगा क्या बात है मैं कहा थप्पड़ मार कान पे कस के एक दो जिंदगी में स्ट्रेस नहीं आएगा इसको तो जिंदगी बर्बाद कर रहा है इस बच्चे की गुरु क्या होता है गुरु का मतलब होता है सिंपल सा आपका करेक्टर बिल्ड करना बॉडी तो बहुत दूर रह गई आपने बॉडी बना ली आपके सिक्स पैक आ गए आपको मां बहन की इज्जत नहीं करनी आ रही आपको समाज में बैठना नहीं आ रहा आप शाम को क्लब में छल्ले बनाते फिर रहे हो तो आपका करेक्टर है आपका आपका करेक्टर भी है ना बॉडी नहीं है पैसा नहीं है तो भी लोग आपकी वैल्यू करेंगे बंदे का करेक्टर है यार वो चीज है तो गुरु जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं यार जिन्होंने अब लोग बोलते धर्म उन्होंने इंसानियत के लिए जान दी अपनी बाबा दीप सिंह जी है जो गर्दन कटने के बाद भी लड़े कितना जिगरा है उनके अंदर गर्दन कटने के बाद भी अपना शीश ले जाके महा मंदिर में गुरुद्वारे साहब में वहाँ झुकाया उन्होंने वो चीज थोड़ी महाराणा प्रताप जी कितना वजन पहन के लड़े शिवाजी महाराज बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कौन है उनको तो ये पता है नाम चाल उनको लड़कियों को जो इंस्टाग्राम बनाती है कितने बजे पोस्ट आने वाली है कितने बजे हमें वॉशरूम में जाके बैठना है कितने बजे हमें क्या करना है गुरुओं का ज्ञान और गुरुओं का नाम तुम्हारी जिंदगी वहां लेके जाएगा तुम सोच भी नहीं पाओगे कि यार, यार मेरी वैल्यू है लाइफ में तो गुरु पे ध्यान दो और गुरु अच्छा हो वो नहीं हो जो आपके पैसे से अपने शौक पूरे करे कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे बॉडी तो मसल का काम है मसल मसल बढ़ेगी या घटेगी सिगरेट पीने से तो लंग्स में जाता है वो तो हम तो सिगरेट पी सकते हैं बॉडी बनाते समय वाह कहां से आते हैं ये लोग ये हमारी कम्युनिटी में किस <laughs> लोग है ये नहीं तुम पहले सिगरेट ही सिगरे नहीं छोड़ दो फिर बाद में बोलो सांस चढ़ गया मेरे को मेरे को सांस चढ़ रहा है मम्मी सांस चढ़ रहा है मेरे को बच्चों के मैसेज आते हैं भैया मैं पहले चार पीता था अब मैं एक पीने लग गया मैं मूर्ख जहर तो जहर ही होता है अब बस मैं अब जहर कम खाता हूं मैं थर्टी फोर ईयर गया मैंने आज तक सुपारी नहीं खाई और तुम अठारह बीस साल के बच्चे जो नशे करते हैं मेरे मुकाबले खड़के देख लेना तुम पार ही नहीं पाड़ पाओगे अपने सिगरेट चलो एक छोटी सी मेरे को ना एक बहुत प्यारा मैसेज आया बच्चे का कहता भैया आप चिकन अंडे खाना मना करते हो हो एग्री एग्री आप लड़कियों को छेड़ना मना करते हो। में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं मैंने कहा मैंने उसको लिटरली वीडियो कॉल किया मैं करता नहीं ऐसे किसी को मैं चल बच्चे तुने तो सवाल बहुत प्यारा पूछा तू वीडियो कॉल पर आज वो भागल और वीडियो कॉल कर रहे हैं मैं तू आ जा मैंने बोला एक टाइम में ना एक जो मुगल थे उन्होंने एक साधु महात्मा को पकड़ लिया उन्होंने उसको बोला कि तेरे सामने तीन ऑप्शन है चिकन मांस शबाब औरत और दारू तीनों में से तेरे को एक खाना पड़ेगा अगर तूने नहीं खाया तो गर्दन काट देंगे तो और तेरे को जीना भी पड़ेगा गर्दन काटने वाला भी ऑप्शन काटेंगे तो ऐसे काटेंगे ऐसे रगड़ रगड़ महात्मा जी डर गए महात्मा जी बोले मांस मच्छी में खा नहीं सकता स्त्री को मैं छेड़ नहीं सकता मैं शराब पी लेता हूं तो महात्मा जी बोला शराब पीऊंगा महात्मा जी ने जैसी शराब पीना बुखला गए उन्होंने मास भी खा लिया, उन्होंने स्त्री भी छेड़ दी तो शराब ये करवाती है शराब पीने के बाद कोई आदमी अपनी बहन को छेड़ता है दूसरे की बहन को क्यों छेड़ता है अपनी बहन को छेड़ के ना अपनी मां को छेड़ के दिखा ये वो चीज है जो आपको दो सेकंड में जमीन पे ला देती है जितने सालों की बनाई होगी ना आपने आप रुड़ते फिरोगे नालियों के अंदर तो यह करती है शराब फिटनेस पे ध्यान देने से या बॉडी पे ध्यान देने से मेंटल पे क्या चेंज आप देखा आपने देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो दूसरा आपको पूरे दिन में यह लगता है कि यस मैं मेरे खुद के लिए कुछ कर रहा हूं क्योंकि एक ऑफिस वाला आदमी अपनी लाइफ के माँ के लिए करता है अपनी फैमिली के लिए करता है पर वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता वो बेचारा दस से आठ घंटे की जॉब करता है चला जाता है फिर घर आके इस एक घंटा ये जो जिम का एक घंटा होता है ना मैं आप अपने आप को इतना डिसिप्लिन आता है आपके हेल्थ इश्यूज तो नहीं रहते प्लस आप एक घंटा एक इंजॉय करते हो कोई भी गाना सुनना है और जैसे मेरी बात ही ले लो जब मेरा वर्कआउट का सेशन होता है ना डेढ़ घंटा मेरे फ़ोन पे किसी को फ़ोन करना अलाउ नहीं है शायद उस डेढ़ घंटे में मेरे साथ कोई वर्कआउट करना पसंद नहीं करता क्योंकि उस टेढ़ राम जी के गाने चलते रहते हैं मैं बच्चे के जैसे इंजॉय करता हूँ अपने आप और वो डेढ़ घंटा मेरा पूरा दिन निकाल देता है अगर वो डेढ़ घंटा मेरा नहीं जाए तो मैं पूरे दिन मतलब ऐसे रहता हूँ यार क्या कुछ ही नहीं किया तो मैंने मेरे लिए तो मैं कैसे ना भी करके वो एक घंटा करूंगा एक घंटा नहीं है तो तीस मिनट करो डू वट मेक्स यू हैप्पी सिंपल सा फंडा और आज की डेट में वर्कआउट आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है क्योंकि सब बीमारियों से भरे पड़े हैं और सबसे पहला रास्ता यही है अपने आप पे ध्यान देने बस अच्छा जब सुबह सुबह आप जिम जाते हो ना तो लगता है कि कुछ अचीव किया है लाइफ वैसे तो कुछ कर नहीं रहा है नहीं पर नहीं। एक चीज तो हमने अचीव करी है तो, तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती है मन में और उसके बाद आपका मोटिवेशन इंक्रीज होता है और आप चीजें करते रहते हो जैसे ज्योतिष में उपाय बताया जाता है सूर्य को जल चढ़ाने का उपाय ठीक है अब ये उपाय भी इसी चीज के लिए कि आप सुबह उठो नहाओ और भगवान सूर्य को जल चढ़ाओ तो आपका डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है तो राम जी का डिसिप्लिन था ना जब राम जी वन में भी थे ना तो भी वो सुबह उठ के ध्यान में पहले अपने माता पिता को नमन करते थे फिर अपने गुरु को याद करते थे फिर वो सूर्य भगवान को नमस्कार करते थे आजकल बच्चे क्या करते गुड मॉर्निंग बेबी हाउस योर नाइट बेबी तूने माँ से पूछा माँ रात को तेरे को तकलीफ हुई या नहीं हुई कभी बैठा अपनी माँ के पास दबाए पैर अपनी माँ के क्यों भाई जिसने तेरे को जन्म दिया जिसने तेरे लिए अपना फिगर खराब कर दिया तो तेरे को दुनिया में लेके आई है तेरे को उसकी फर्क ही नहीं पड़ रहा और तो उसके पीछे बावड़ा हो रखा है आज आपने बेबी दस मिनट लेट मैसेज किया मेरे को मेरी तो नींद ही नहीं खुली तेरी नींद नहीं <laughs> खुली मैं खुलाऊ नहीं तुम लोगों की माँ बाप की परवाह नहीं करते तुम लोग चलिए इस पॉडकास्ट के एंड में आ गए हम नीतीश जी अब मेरा लास्ट सवाल आपसे यह है कि एक रूटीन आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए फिटनेस भी रहे उसमें हमारा काम भी रहे और रहे लाइफ देखो सबसे पहले तो आप जब भी उठो ना एक नियम होना चाहिए टाइम आपका उठने का चाहे आप पांच देखो कई रात जो नाइट जॉब वाले बंदे होते हैं वो सुबह नहीं उठ पाएंगे उठने के बाद ना अगर आप उठे हो तो अपनी बॉडी डिटॉक्स करो डिटॉक्स करने के लिए कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है एक गिलास गर्म पानी करो थोड़ा सा उसमें हल्दी डालो थोड़ा सा नींबू डालो थोड़ा सा काली मिर्च डालो पानी इस हिसाब से देखो जैसे अपने चाय पीते हैं सिप सिप करके पीते जाओ आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा आपकी बॉडी हर दिन डिटॉक्स होती रहेगी दूसरा अब अब जो आप उठते हैं जैम्स वगैरह खा लिए या कुछ हैवी मील्स खा ली इसकी जगह बेसिक रखो आप रोटी सब्जी खा लो कोई दिक्कत नहीं है दलिया खा लो ठीक है ओट्स खा लो ठीक है कुछ ऐसा फूड खा लो जिसमें आपको लंबा टाइम एनर्जी मिल जाए उसके बाद आप आजकल क्या दिन में स्नैक नहीं करते लोग जैसे तीन ही मील होती है ब्रेकफास्ट फिर लंच फिर डिनर तीन ही मील्स रखते हैं वो हर मील के बाद छोटा सा पोर्शन रखो जिसमें या तो आप कोई भुने हुए चने खा लो थोड़े बहुत पीनट्स खा लो या कुछ आप ड्राई फ्रूट्स खा लो उसके बाद अपनी मील करियर रखो अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे जिम जाने का टाइम नहीं है कई बार नहीं मिलता यार और जिम जाने के लिए सबसे पहले बात पंद्रह बीस मिनट पहले रेडी होना पड़ता है शूज पहनो अपने शॉर्ट्स वगैरह पहनो सब कुछ रेडी हो जाओ आप घर में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर दो उससे आपका डिसिप्लिन नहीं टूटेगा और सबसे मेन बात अपनी लाइफ स्टाइल से ये चीजें हटाओ जो लोग बोलते हैं ना पांच दिन के बाद कि मैं क्लब में जाके स्ट्रेस आउट हो रहा हूं अब एक बच्चा क्लब में जाता है पांच हजार रुपये लगाता होगा वही पांच हजार रुपये से करीबन पचास लोगों को खाना मिल जाएगा मिल जाएगा तुम उनको खाना खिला के देखो एक बार तुम स्ट्रेस आउट हो जाओगे और तुम्हारा शरीर भी खराब नहीं होगा तो ये जिंदे हटा दो और एक सबसे मेन बात जो घर पर तुम्हारे माँ बाप है ना भगवान उनकी सेवा करो तुम्हें जिंदगी में झुकना नहीं पड़ेगा अपने माँ बाप के हाथ पैर पकड़ लो तुम्हें जिंदगी में किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे

बात मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी निहाल है वरना तुम कहा और मैं कहा तुम देख लो आज भी बोलता हूं अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को हटाओ जो आपकी जिंदगी को उस मोड़ पे लेके जा रहे हैं जहां उनका फायदा हो रहा है आपका नहीं हो रहा गुरु बनाने से पहले अपने घर पे जो मां बाप है उनकी सेवा करो अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा तो हमारे गुरु वैसे ही बहुत हैं राम जी है गुरु गोविंद सिंह जी है बाबा दीप सिंह जी हैं शिवाजी महाराज है महाराणा प्रताप है इनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है इनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है तो ये जो तुम्हें सुट्टा दारू पिलाने वाले या जो तुम्हें मास्टरबेशन में डिलने वाले ना कुछ नहीं करेंगे तुम्हारी जिंदगी एंड है बाईस साल के बाद बेड पकड़ोगे एक पाइप इधर एक पाइप इधर इधर से खाना निकाला इधर से खाना बाहर जय श्री राम